वेलकम बैक साथियों, मैं हूँ आपकी अपनी रचना और फिटनेस विद रचना में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें खाना कैसे खाना है, कितना खाना है, प्लेट में किस किस क्वांटिटी में क्या क्या चीजों को रखना है और फिर उसे चबाना कैसे है। जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पे मैंने आज की अपनी ये वीडियो बनाई है। और इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो पर आगे बढ़ूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमें थाली कैसे कैसे लगानी है अपनी। इसके लिए आज मैं आप सबको अपनी थाली दिखाऊंगी कि मैं अपनी थाली को कैसे लगाती हूँ और मैं खुद भी कैसे खाना खाती हूँ। ये दोस्तों, ये है मेरे खाने की थाली, जिसमें मैंने आपको एक थाली लेनी है। घर में जो भी सबसे छोटे साइज की थाली हो वो आपको लेनी है और उसको आपको आधा ना सलाद से भर लेना है। सलाद में आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं और जैसे मैंने खीरा काटा हुआ है ऐसे आप खीरा, टमाटर और प्याज भी ले सकते हैं। और जब ठंड आएंगी तो आप गाजर वगैरह भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने एक रोटी ली है, एक कटोरी दाल ली है, आपके घर में जो भी दाल बने आप उसे ले सकते हैं, और मैंने एक कटोरी रायता लिया है। अगर आप दाल ना लेना चाहें तो आप सब्जी भी ले सकते हैं। ये जो रोटी है मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर दूंगी, कम से कम 25 या 30, इतने बड़े साइज़ के। अगर आप स्टार्टिंग में इतने छोटे साइज़ के पीसेस को ना चबा पाएं तो आप थोड़े थोड़े बड़े भी कर सकते हैं, पर मैं इसी साइज़ के पीसेस करती हूँ। और 20 से 25 पीसेस आराम से हो जाते हैं एक रोटी में से। और इन पीसेस को अच्छे से चबा चबा के खाना है दोस्तों। तो देख लीजिए कि थाली आपको किस तरीके से लगानी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि थाली को हमें कैसे सेट करना है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से ये वाली चीज बता देती हूँ। हमको सबसे पहले एक मीडियम साइज की थाली लेनी है। हमारे घरों में बहुत बड़े बड़े साइज की भी थाली होती है, लेकिन छोटे साइज की थाली लेने से मेरा मतलब ये है कि जब हम बड़े साइज की थाली ले लेते हैं तो हम उसमें ज्यादा क्वांटिटी में खाना भर लेते हैं। और फिर ज्यादातर घरों में सब लोग ये सोचते हैं कि अब खाना इतना ले ही लिया है तो इसे पूरा खा ही लिया जाए। ये भी एक मेन रीजन होता है दोस्तों ओवर ईटिंग करने का और वेट गेन करने का। इसीलिए आप जितनी छोटी थाली लेंगे आप उसमें उतना ही कम खाना रखेंगे। और दोस्तों, कम खाना खा के आप सेटिस्फाइड कैसे होंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग अपनी थाली लगाने से। तो सबसे पहले आप एक मीडियम साइज की थाली लेंगे, उसको आप आधा सैलेड से भर लेंगे। सैलेड की जगह पर आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स और सैलेड चल रहा हो, कुकुम्बर, ओनियन, टमाटो, कैरेट, पपीता, सेब, जो भी आपको खाने का मन हो आपको वो आधी थाली अपनी सैलेड से भर लेनी है। उसके बाद आपको उसमें एक रोटी रखनी है और रोटी पर आपको घी नहीं लगाना। आप कैसी भी रोटी ले सकते हैं, गेहूं की, बाजरे की, मक्के की, जो भी आपको पसंद हो। और बहुत से लोग तो मिस्सी रोटी खाना भी पसंद करते हैं, मतलब मिक्स आटा करवा के। तो जैसा भी आप घर में रोटी खाते हो आपको वो एक मीडियम साइज की रोटी लेनी है और उस पर घी नहीं लगाना। और आपको एक बड़े बाउल में दाल या सब्जी लेनी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि एक छोटी कटोरी में हम दाल या फिर सब्जी लेते हैं और रोटी रख लेते हैं बहुत सारी, लेकिन दोस्तों हमें इसका उल्टा करना है। हमें रोटी कम लेनी है और हमें दाल या फिर सब्जी एक बड़ी कटोरी में लेके खानी है, क्योंकि दाल में और सब्जियों में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। और आप एक कटोरी में साथ में दही ले सकते हैं, वो जो भी आपका मन हो, लेकिन आपको शुगर नहीं लेनी, इसलिए आपको मीठा दही नहीं लेना। तो इस तरीके से आप अपनी थाली को सेट कर लेंगे और फिर आप खाना खाने के लिए बैठेंगे। तो दोस्तों, जब आप खाना खाने के लिए बैठेंगे आपको पहला काम तो ये करना है कि आपको टीवी और मोबाइल से दूर रहना है, यानी आपको बिल्कुल शांति से खाना खाना है, किसी भी चीज से डिस्टर्बेंस ना हो आपको, वरना आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा। क्योंकि अब जो मैं आपको तरीका खाना खाने का बताने के लिए जा रही हूँ उसको आप जितना शांति से करेंगे आप उसको उतना ही अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि मैंने ये तरीका खुद पे आजमाया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको खाने की स्टार्टिंग सलाद खाने से शुरू करना है। आप जैसे ही एक बाइट मुंह में डालेंगे आपको उस बाइट को 32 बार चबाना है। जी हाँ दोस्तों, 32 बार। अगर आप इससे ज्यादा चबा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं तो 45-60 बार भी चबा लेती हूँ एक बाइट को, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो 10-15 बार से स्टार्ट किया था। तो आप जितना ज्यादा चबा सकते हैं एक बाइट को उतना ज्यादा आप चबाएं। तो जब आप पूरी सैलेड खा लेंगे उसके बाद आपको रोटी, दाल और दही या सब्जी जो भी खाना है वो शुरू करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, रोटी के आपको 15-20 टुकड़े कर लेने हैं, छोटे छोटे थंब के साइज के। अगर आप और ज्यादा टुकड़े कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम 15-20 टुकड़े तो आपको करने ही करने हैं।
और हर एक टुकड़े को दाल या सब्जी से लगा के आपको अच्छे से चबाना है, कम से कम 32 बार और ज्यादा से ज्यादा जितना आप चबा सके हैं। तो इससे क्या होता है कि मुंह से ही हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो जैसे हम जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि एक रोटी के 5 या फिर 6 गसे करते हैं और फटाफट डाला मुंह में, 2-4 बार चबाया और फिर हम सटक जाते हैं। तो मुंह में तो हम डाइजेशन करते नहीं है, हमारी आंतों को जाके भुगतना पड़ता है ये सब कुछ, क्योंकि हमारा पेट और हमारी आंतें जो होती हैं वो इस चीज को पचा नहीं पाती। इसी की वजह से सारे के सारे डिसीजेस, सारे के सारे रोग पनपते हैं, खाना सड़ता है बॉडी में और फिर नए नए तरीके के रोग बनते हैं, डाइजेशन ठीक नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत से लोगों को गैस भी लीक होती है। तो ये सब दिक्कतें जो होती हैं ये इसी वजह से होती हैं दोस्तों। तो आपको जब आप मुंह में ही खाना अच्छे से चबा लेंगे तो आपका डाइजेशन वहीं पर हो जाएगा लगभग, और जो बचा कुचा डाइजेशन होगा वो आपके आमाशय में जाके हो ही जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरा खाना खाना है और मेन बात आपको बस यही ध्यान रखनी है कि अच्छे से चबाना है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ना मोबाइल और ना ही टीवी। जब आप काउंटिंग करके खाना खाएंगे तो आप कर लेंगे, आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। मैं भी यही सोचती थी कि नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ये खुद पे अप्लाई किया है और हो जाता है। हाँ बस कुछ दिक्कतें होती हैं, वो दिक्कतें मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आप अच्छे से समझ लेंगे इस वाली चीज को। स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों, जब हम खाना खाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें डेली वे में तो इतना चबाने की आदत नहीं होती ना, तो जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारे ये जो दांत और जबड़े होते हैं सर में, ये सब दर्द करने लगते हैं क्योंकि हम अपने दांतों को कुछ काम ही नहीं देते। लेकिन जब आप उनका प्रॉपर यूज करेंगे तो वो अच्छे से चलेंगे। तो जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा होगा, तो हमारी मसल्स में पेन शुरू हो जाता है, वो यही रीजन होता है दोस्तों, क्योंकि हम ना डेली यूज में इतना यूज नहीं करते। तो जब आप अच्छे से चबाना शुरू करेंगे तो आपके दांतों में, मुंह में, सर में दर्द हो सकता है, लेकिन आप उससे घबराएं नहीं, वो सिर्फ 2-4 दिन होगा और फिर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा बॉडी पर से। सबसे पहले आपके फेस पर से फैट कम होना शुरू होगा क्योंकि आप फेस की अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे खाना खाते टाइम। फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी से फैट कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है दोस्तों और इसमें टाइम लगता है, लेकिन जा कुछ नहीं रहा हमारा, ये फ्री का प्रोसेस है। तो अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, और जैसे जैसे आप ये इस तरीके से खाना खाएंगे, आपका फैट ना बॉडी से अपने आप ही कम होता जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको जब भूख लगे आप तब खाना खाइए, जितनी बार भी आपका आपको खाना खाने का मन हो, आप जितनी बार भी खाना खाते हो आपको उतनी बार खाना खाना है, खाना खाने की कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आप इसी तरीके से खाना खाएंगे, जब भी खाएंगे अच्छे से चबा चबा के और 32 बार, ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको काउंट करके खाना खाना है दोस्तों। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में मेरा मकसद आपको यही चीज समझाना था कि आपको खाना कैसे खाना है, किस तरीके से आपको चबाना है, और आप इस प्रोसेस को जब शुरू करेंगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरी इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगी आप सबको। और अगर आप में से जितने भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।